अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज मैं बनाने वाली हूँ डबल लेयर बिरयानी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो देखिए, मैंने बासमती राइस लिए थे, इसे एक घंटा पहले मैंने भिगो दिया था और इसका अभी मैंने पानी पूरा निकाल लिया है। और अभी यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, ये देख सकते हो। और चिकन के पीस थोड़े मीडियम साइज़ के होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं और बहुत बड़े नहीं। तो ये एक कप के करीब मैंने दही लिया है, और ये दही को, ये थिक दही है, खट्टी दही बिल्कुल ना ले, थोड़ी मीडियम जो दही होती है ना वो वाली यूज़ करनी है। और अभी मैंने इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, दही डाल दी है, और अभी मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और अभी इन चीज़ों को, ये तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके ना कम से कम आधा से पौना कलाक हमको मैरिनेट करना है। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप 10 से 15 मिनट भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन के अंदर जो है ना एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही से, और ये बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे इस तरीके से मैरिनेट करने से। और भी मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो चलो, तभी मैं यहाँ पर ना पानी बॉईल कर लेंगे, जो हमें चावल जिसमें हमें बॉईल करना है, तो उसके लिए पानी को गर्म कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बर्तन लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया। तो जितना चावल है उसका डबल ट्रिपल हमको पानी लेना है, पानी इसमें ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि हमको चावल बॉईल करके निकाल लेने हैं, एक्स्ट्रा पानी हमें फेंक देना है। तो ये बिरयानी में देखिए, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा ही नमक डालिए क्योंकि जो पानी है हम उसे फेंकने वाले हैं, तो पानी जब हम फेंकेंगे तो उसका एक्स्ट्रा जो नमक होगा वो निकल जाएगा। और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा, और इसी के साथ में मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, और इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता और एक लौंग। तो इसको बंद करके ढक के मैंने रख दिया है ताकि पानी को बॉईल आ जाए। और यहाँ पे बिरयानी के मसाले की तैयारी करेंगे। तो ये मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं मैंने, ये देख सकते हो। और यहाँ पर लिया है 2 टमाटर, और ये ली है हरी मिर्ची। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके यहाँ जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से। तो अभी मैं, पानी बॉईल हो गया है, तो इनको, इसका बिरिस्ता हमें बना लेना है, और इन दोनों को पीस लेना है टमाटर के साथ। और ये पानी जो है यहाँ पर बॉईल हो चुका है, ये देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और हमें इसे 99% पका लेना है पूरा चावल में। और ये देख सी, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर बीच बीच में 10 से 15 मिनट के बीच बीच में हमको चलाकर इसे देखना है कि चावल बराबर पका है या नहीं। तो अभी मैं इसे ढक दूँगी अच्छे से, और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहने देनी है। ये देखिए, चावल अच्छे से बॉईल होने लगा है, ये देख सकते हो। ये देखिए, बस अभी थोड़ा और, मुझे लग रहा है कि ये और अभी थोड़ा पकेगा, अभी थोड़ा इसमें कसर बाकी है। तो अभी इसे और 5 मिनट पकने देते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा कड़क लग रहा है, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए और पका लूँगी, ये देख सकते हो। तब इसको और ढक के मैं पका लूँगी। और ये देखिए, चावल जो है अब रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। इसको मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ कि चावल, ये देखिए, ये अभी इजीली हाथ में दब रहा है, ये देख सकते हो। तो इसे बहुत ज़्यादा भी हमें सॉफ्ट नहीं करना है, और ये अब डन है। अब यहाँ पे मैं एक बर्तन में तेल ले लूँगी, जिसमें हमें प्याज का बिरिस्ता बनाना है। तो देखिए, ये पतीला मैंने ले लिया है, ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके थे, मैंने उनका पानी निकाल लिया और उसे साइड में रख दिया है। और अभी यहाँ पर जो है ना तेल को गर्म कर लेंगे, और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए, तेल गर्म हो चुका है, और ये मैंने जो प्याज को कट करके रखा था, तो इसे अब मैं बर्तन में डाल रही हूँ और इसका बिरिस्ता बना लेंगे। तो देखिए, तेल अभी थोड़ा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही प्याज पकने लगेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें तेल परफेक्ट हो जाएगा। अभी ये आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि प्याज ज़्यादा है, तेल कम, तो इसी तेल का इस्तेमाल बिरयानी में करेंगे, तेल ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो जब भी आप प्याज जिस भी तेल में फ्राई करो और जो भी बना रहे हो, तो उसे आप ग्रेवी में
या दाल में, इसी सब चीज़ों में इसे यूज़ कर ले तो आपका तेल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। और अभी हम प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है तो वहाँ तक के बिरयानी का मसाला मैं आज घर में ही बना रहे। देखिए तो ये मैंने ली है दालचीनी, वहाँ पे मैंने 15 से 10 काली मिरी, 15 से 10 लौंग, और ये जायफल है, ये देख सकते हो जायफल लिया है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, और ये मैंने लिया है आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच ज़ीरा है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है धनिया, और ये लाल मिर्च ली है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है और इससे कलर भी अच्छा आएगा, और ये 2 तेज़पत्ता लिए हैं मैंने, और ये जावित्री जो बोलते हैं वो लिया है। तो ये देख सकते हो अभी इन सब मसालों को हमको रोस्ट कर लेना है, ये देख सकते हो ये सब मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बर्तन रख लेती हूँ, तो देखिए तो बर्तन में ज़रा भी नमी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, और बर्तन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बर्तन थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद ही इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए जो सूखे मसाले हैं मैंने इसके अंदर, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, ज़ीरा, सौंफ, और ये जो मसाला है ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार। तो जो बड़े बड़े ब्रांड वाले मसाले होते हैं ये उन मसालों को भी फेल कर देगा। इस तरीके से आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो आप इसके अंदर ना जो अनारदाना होता है वो भी डाल सकते हो, आपको अगर खटाई वाला अच्छा लगता है। तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन बाहर से जो मसाले हम लेकर आते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि अनारदाना इसमें डाला हुआ है, अगर आपको उस तरीके का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें अनारदाना डाल सकते हो। तो बस इसे अच्छे से रोस्ट करना है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए, हमें इसको ज़्यादा ब्राउन या ऐसा जलाना नहीं है, बस इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आ जाए, जो भी मसालों में नमी है वो नमी निकल जाए, ये देख सकते हो, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तभी मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। ये तो ये देख सकते हो, तभी मैं इसे साइड पे रख के ठंडा कर लूँगी, और ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं इसे मिक्सर के जार में डाल के, और ये मैं जो मसाला मैंने लिया है, जो क्वांटिटी मैंने ली है, ये 1 किलो बिरयानी के हिसाब से मैंने लिया है, और मैं आज जो बना रही हूँ वो 1/2 किलो की बिरयानी है, तो ये मुझे अगले टाइम के लिए भी हो जाएगा। और आप अगर चाहो तो इसे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर ये मसाला पुलाव, बिरयानी, और भी दूसरा जैसे कोरमा है, उन सब चीज़ों में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू है, और ये देखिए मसाला कितना अच्छा रेडी हुआ है। और मसाले को एकदम बारीक नहीं पीसना है, बहुत भी ज़्यादा बारीक जैसे होता है ना वैसे नहीं पीसना है इसको, इसे हमको ना थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। देखिए ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में इस तरीके का थोड़ा दरदरा ही, क्योंकि बिरयानी में जो है ना मसाला थोड़ा दरदरा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं। और ये देखिए इसका कलर और इसका टेक्सचर देख सकते हो आप लोग बस। और अब मैं इसमें से आधा मसाला जो है वो बिरयानी में यूज़ करूँगी और आधा मैं स्टोर कर लूँगी। तो चलो आगे की प्रोसीजर देख लेते हैं। जिसमें मैंने मसाला पीसा था उसी पॉट में मैं अभी ये टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो इसे भी हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज तो साइड में ब्राउन हो ही रहा है, और ये देखिए अभी मैं इसको पीस के ले लेती हूँ। तो ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च को पीस लिया है, और जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी के अंदर ये पेस्ट मैं डाल रही हूँ, ये देख सकते हो, और इसे इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और अभी हमें इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर प्याज भी मेरी ब्राउन हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी, देख सकते हो। टमाटर के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए ये वही प्याज का जो तेल था वही है, और मैंने इसके अंदर 2 तेज़पत्ता डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने ली है ज़ीरा, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिरी, 2 छोटी इलायची, और ये हम जो बना रहे हैं ये ग्रेवी बना रहे जो बिरयानी की उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अच्छे से, और इसके बाद अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं, और अब इसके अंदर हमें डालना है चिकन, और ये चिकन को भी अच्छे से इसके साथ पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, वहाँ तक के हमें इसे पकाना है। और अभी इसमें जो जो मसाले लगने वाले वो सब इसी के अंदर डाल देंगे, पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए तो अभी जो हमने चिकन डाला है उसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में, और ये देखिए अब मैं इसके अंदर एक एक करके सब मसाले
डालती जाऊंगी जो भी दूसरे मसाले मुझे ऐड करने हैं। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, तो मैंने इसके अंदर डाल दी है 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है, और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब, क्योंकि हमने मसाला जो पीसा था उसके अंदर भी धनिया पाउडर है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ, और ये जो मसाला पीस के रखा था, तो अब ये मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो ये देख सकते हो। और मसाला डालने के बाद जो कलर इसके अंदर आएगा ना, ऑसम, वो कलर आप देखिएगा। और बस अब इस तरीके से ये मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा अदरक लहसुन और डालूँगी, क्योंकि उसमें 1 ही चम्मच डाला था और यहाँ 1 चम्मच, तो करीब पूरी बिरयानी में हमको 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन यूज़ करना है। बस अब इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले आपस में मिल जाए अच्छे से, और इसे ढक कर ना चिकन को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, गला लेंगे चिकन को। और ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बिरयानी बनाइएगा संडे को, फ्राइडे को, आप जुम्मा के दिन भी, या फिर आपके यहाँ कोई आ रहा हो उस टाइम पे आप इसे बना सकते हो। और दम बिरयानी की रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पे डाल दी हूँ, तो वहाँ मेरे चैनल पे जाके आप लोग दम बिरयानी भी जाकर देखिए कि वो कैसे बनती है। और ये देखिए, ये तेल ऊपर आ गया। अभी मैं चिकन को चेक कर लूँगी कि चिकन जो है हमारा वो गला है या नहीं, तो अभी इसको मैं देख लेती हूँ चिकन निकाल कर, ये नहीं गला है लगता, फिर भी मैं इसे छुरी से चेक करूँगी। ये देखिए, ये नहीं टूट रहा है इजीली, तो इसे और थोड़ी देर पकने देते, तो अभी मैं इसे और ढककर अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए, अभी मैंने ऊपर से और 4 हरी मिर्चें ली है, मुझे तिखास थोड़ी कम लग रही थी तो हरी मिर्ची मैंने और ले ली। और वहाँ पे चिकन जो है वो बॉईल हो रहा है, वहाँ तक के हम ये जो मैंने बिरिस्ता बना के रखा था इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो इसे एक पेस्ट बनाना है, अगर आपको लगा तो आप पानी डाल के पीस सकते हो। ये देखिए, तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैंने जो प्याज पीस के रखी थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, नरम हो गई थी, तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए, जो चावल हमने स्ट्रेन करके रखे थे, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, पानी पूरा निकल गया है। और यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, पुदीना, ये दोनों चीज़ों को मैंने कट करके ले लिया है धोकर, और अभी हमको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि चिकन जो है वो हो चुका है या नहीं, तो चिकन मुझे लग रहा है हो गया है। तो अब इसके अंदर जो मैंने पुदीना और हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसी के साथ में जो प्याज का बिरिस्ता मैंने पीस के लिया है, जिसका पेस्ट बनाया है प्याज का, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और उसे एंड में ही ऐड करना है, जैसे कि बस अब आपको 5-6 मिनट ही इसको पकाना है, और ज़्यादा बिरिस्ता के साथ ज़्यादा, क्योंकि प्याज जो है वो पकी हुई है, ब्राउन है, हमने इसको अच्छे से फ्राई किया था, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है मसाला थिक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। अगर आपके यहाँ पे थिक मसाले वाला पसंद करता है कोई बिरयानी, तो आप इस मसाले से भी बना सकते हो। देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हो आप लोग, तो ये इस तरीके का है, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी थिक है। तो मैं अभी इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी मैंने डाल दिया है, तो जिस मिक्सर पॉट में मैंने बिरिस्ता पीसा था उसी के अंदर पानी लेके, तो उसमें जो प्याज थी पीसी हुई वो भी निकल गई है। और बस इसे अब थोड़ा सा और पका लूँगी, तो ये देख सकते हो आप लोग, और इसका कलर देखिए, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस। ये मसाले से आप एक बार बिरयानी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और बस अभी इसको 4 से 5 मिनट ही मैं पकाऊँगी, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, तो ये अच्छे से पक गई है। और ये देखिए, मैं ये देखिए, मुझे ना थोड़ा ऐसे लिक्विड वाला ही ये अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लेयर इसके ऊपर रखते हैं ना, तो मैं थोड़ा लिक्विड वाला ही मसाला पसंद करती हूँ। अगर आपको ड्राई मसाले में बनानी है, तो आप ड्राई मसाले में बना सकते हो। ये देखिए, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, ये वही बर्तन है। अब मैं इसके अंदर नीचे थोड़े चावल बिछा दूँगी, और फिर उसके ऊपर हमने जो ग्रेवी बनाई है, तो वो चिकन ग्रेवी इसके ऊपर हम रख देंगे। तो अभी मैं इसको अच्छे से चावल जो है वो उसके नीचे लगा दूंगी अच्छे से। देखिए, हल्के हल्के हाथ से, चावल टूटना नहीं चाहिए आपका, और चावल जो है वो एकदम खिला खिला बना है, बहुत ही अच्छा चावल खिला खिला बना हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर ग्रेवी लगाऊंगी, तो ये देखिए, तो किनारे किनारे से बोटी रखिए, किनारे किनारे से ही मसाला भी डालिए, क्योंकि जब हम बिरयानी निकालते हैं तो साइड से ही निकालते हैं, बीच से तो नहीं निकालते। इसीलिए आप अगर बोटियाँ हैं
जो भी आप अगर साइड से रखोगे ना किनारे से, तो चम्मच में लेने में इजी रहेगा और वो चम्मच में निकल के आएगी, है ना। तो इस तरीके से, तो ये देख सकते हो, मैं चारों तरफ अच्छे से मसाला लगा रही हूँ, ये देख सकते हो। और ये पक जाएगा अभी, तो इसको ये थोड़ा और अच्छे से ये हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, बस ये मसाला मैंने, और ये बोटियाँ भी, ये देखिए। तो अच्छे से इसको इस तरीके से आप फैला दें, और अब इसके बाद में इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा पुदीना और थोड़ी सी ये सब तो डाल के फिर इसके ऊपर से मैं और चावल के लिए रख दूँगी। तो देखिए, अभी मैंने इसके ऊपर पुदीना और हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा ब्रिस्ता भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अभी ये देखिए, मैं इसके ऊपर राइस, फिर से एक राइस की लेयर रखूँगी, और थोड़ा राइस मैंने और रख लिया है, और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी। क्योंकि मेरे घर में जो है ना, मसाले वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मेरे घर में ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी पसंद की जाती है। अगर आपके यहाँ कम मसाले वाली खाते हो, तो आप ग्रेवी को ना जो ज़्यादा पका लें, तो वो थोड़ी और ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो मसाला बचा है, तो अब मैं ये मसाला भी इसके ऊपर पूरा लगा दूँगी। ये देखिए, बोटियाँ जो है मैं साइड साइड से ही रख रही हूँ, ये देखिए। बस इस तरीके से मसाला बिछाते जाए। ये देखिए, मसाला मैंने पूरा बिछा दिया है, रख दिया है, और जो बाकी का चावल बचा हुआ है, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और बस अभी से ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको, गैस के ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए ही हमें पकाना है, और गैस बंद कर देनी है। ये लीजिए, ये रेडी है बिरयानी। और मैंने यहाँ साइड में येलो फूड कलर जो है, वो एक प्याली में पानी के साथ घोल के रखा है, तो ये भी कलर इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से साइड साइड से डालें, ये देखिए। क्योंकि थोड़े चावल जो है हमको वाइट, और थोड़े जो है वो येलो चाहिए। और अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और थोड़ा सा भी ब्रिस्ता डाल रही हूँ, पुदीना हरा धनिया भी इसी के साथ डाल देंगे। और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए अच्छी धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो फ्लेवर है वो आ जाए। आप अगर चाहो तो इसके अंदर रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, केवड़ा जिसको बोलते हैं, जो बिरयानियों में यूज़ होता है, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एकदम भटियारा स्टाइल में ये बन के तैयार होगी, जो हम बाहर खाते हैं शादियों में या किसी रेस्टोरेंट में, तो ये उसी तरीके से आपको टेस्ट देगी। इसमें मतलब जो केवड़े एशियंस की जो स्मेल होती है, वो आ जाएगी। तो देखिए, बिरयानी जो है वो एकदम रेडी है, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये लीजिए। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो, मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं सही हूँ। आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, वहाँ गलती कर रहे हो, तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी और अच्छा आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी। और रही बात मेरे बात करने की, तो जो भी है, अगर मेरे से कुछ गलत मैं बोल रही हूँ, तो मुझे वो भी बताएं कि आप यहाँ गलत हो, ये हो। और देखिए, साथ में मैंने एक सैलड बनाया, जो बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये वो सैलड भी मैंने तैयार कर लिया था। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ दही है और ज़ीरा मैंने इसमें, और चावल देख सकते हो एकदम खिले खिले है। और अभी मैं एक बाइट लेके आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाए, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने आपको बताया कि कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि मेरा हौसला और बढ़े, और मैं अच्छी अच्छी डिश आपके लिए लेकर आऊँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।